आज के दौर में अगर आप होम बायर हैं तो शायद ही आपसे ज्यादा परेशान कोई और। जेपी का दिवालियापन अब लोगों के लिए असहनीय होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जेपी को अभी 650 करोड़ रुपए अथॉरिटी को चुकाने हैं। मैंने 2009 में यहाँ फ्लैट बुक किया था और आज तक हमें हमारे फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। खंडहर खड़े हुए हैं और जिस तरीके की नई प्रॉब्लम आई है उससे हमें लग रहा है कि वो खंडहर की तरह ही खड़े रहेंगे। हमें अपना फ्लैट नहीं मिलने वाला है, हमारा पैसा सारा डूब गया है। जेपी हो या आम्रपाली, इन दोनों पर ये आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने जनता की रकम अपने फायदे में खर्च की। हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे फ्लैट हमें मिलने चाहिए, टाइमली मिलने चाहिए, विद कंपनसेशन मिलने चाहिए और इसके फ्रॉड खुलने चाहिए, इसके फॉरेंसिक ऑडिट होने चाहिए। इसने पता नहीं क्या जिल और जैल का एक जंजाल सा बना दिया, उसके अंदर से पैसे कहां से कहां ले गया। हम लोगों से इसने 20,000 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, बैंकों से लोन लिया, कहां गए ये पैसे। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि सरकार क्यों इनके खातों की जाँच के आदेश नहीं दे रही। इससे सरकार की मंशा साफ संदेह के घेरे में है। मैं खुद अपनी बात कहूँ, मैंने 2012 में बुक कराया था और मैंने अपने 16 साल की जितनी भी कमाई थी, जितनी भी जमा पूंजी थी, सब कुछ लगा दी। आज ये स्टेज है कि मुझे ये नहीं पता मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, तो इसीलिए घर बार और अपनी नौकरी वगैरह सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे सुबह से बैठे हुए हैं और आगे पता नहीं कब तक बैठे रहेंगे। तो कोशिश यही है, फ्लैट मिलने की तो कोई उम्मीद नहीं है, घर मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब यही है कि किसी तरह हमारे पैसे मिल जाए जितने हमने दिए थे, ताकि हमारे बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो देखा आपने, यहाँ पर घर मिलने के लोगों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है, खाली एक आस लगाई गई है कि उनके पैसे ही उनको मिल जाएं। अपने घर का सपना देखने वाले होम बायर्स ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब वो ना घर के रहेंगे ना ही घाट के। रियल्टी मीडिया के लिए उत्कर्ष अवस्थी की रिपोर्ट।